सो हेलो गाइस, क्या हालचाल, क्यों से आप सभी लोग और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहां पे लेके आ चुका हूं आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल बॉल का, आर्क प्रामल फियर प्लस आर्क इटर्नल का। और आज का आर्क प्रामल फियर प्लस आर्क इटर्नल का जो एपिसोड है वो शुरू करने से पहले जोड़े बंदे होंगे चैनल पे फटाफट से गाइस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जो है गाइस वो जरूर से जल्दी जल्दी से कर देना गाइस अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा। और गाइस आज के इस एपिसोड में ना मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मेरे घर के सामने ना काफी सारे वो रॉक ड्रेक वगैरह जो स्पॉन होते हैं वो आपस में लड़ रहे थे। और इनकी लड़ाई करते करते ना यहाँ पे कौन स्पॉन हुआ पता है आपको? पता ही होगा जब भी इटर्नल वाला कोई भी डायनो मरता है तो वो डायनो मरने के बाद जो ना गाइस एक नया उससे अपग्रेडेड वाला जो डायनो है वो यहाँ पे स्पॉन होता है। और आप देख सकते हो ये लड़ाई करते करते यहाँ पे स्पॉन हो चुका है इटर्नल इंडोमिनस गोरिला। और वो बेचारे उस स्टेगो को मार रहा है। अभी ये स्टेगो को मारेगा तो देखना अभी एक और डायनो स्पॉन होगा। गाइस देखो ये मरा स्टेगो। ओके, इस बार नहीं हुआ भाई, ठीक है 50% चांस होते स्पॉन होने के बट इस बार स्पॉन नहीं हुआ। तो ऐसे जो ना गाइस अबे फाइट चल रही थी और ये गोरिला गाइस डायरेक्टली 150 लेवल का हमारे घर के सामने स्पॉन हो रखा है। और इसी को जो है गाइस आज के इस एपिसोड में टेम करने वाले। वैसे इंडोमिनस डायनो ना उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते यार। मैंने इंडोमिनस डोडो वाइब्रन पिछले एपिसोड्स में टेम करा था, आप कोई निकला भाई वो, उसने खास कुछ डैमेज भी नहीं दिया ना ही कोई खास जो है ना उसके पास कोई एबिलिटी थी। लेकिन स्पॉन हुआ है तो इसको मैं टेम करता हूँ। इसको टेम करने के बाद ना हम जाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए और कोई डिमोनिक या फिर सिलेस्टियल वाला डायनो ना फिर हम टेम करके लाएंगे। लेकिन ये गोरिला भी हमारे घर के सामने स्पॉन हुआ है तो इसको टेम करना हमारा हक बनता है गाइज। बाकी टेमिंग शुरू करने से पहले शाउट आउट का टाइम है। जो भी गाइज जिनको बताने में बता दू, डेली जो भी गाइज हमारी वीडियो अपलोड होती है उसमें जो भी गाइज हमारे सब्सक्राइबर फर्स्ट कमेंट करते हैं वो फर्स्ट कमेंट करने वाले हमारे सब्सक्राइबर को नेक्स्ट डे वाली वीडियो में मिलता है शाउट आउट। तो कल जो हमारी वीडियो अपलोड हुई थी उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट कमेंट करी थी वो थी यहाँ पे डीएक्स गेमर ने। तो डीएक्स गेमर जो है गाइस उनका नाम और उनका कमेंट जो है वो आपको ऊपर यहाँ पे दिख रहा होगा। और डीएक्स गेमर ने यहाँ पे कमेंट करा था गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रो, कैसे हो, क्या हाल चाल भाई? डीएक्स भाई शाउट आउट यू, थैंक यू सबसे पहले आने के लिए और सबसे पहले हमारे चैनल पे जो वीडियो है उस पर कमेंट करने के लिए। तो अगर आपको भी डीएक्स गेमर की तरह शाउट आउट चाहिए कुछ नहीं करना है गाइस आपको, सिर्फ और सिर्फ जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आना है कमेंट जो है वो कुछ भी आप लोग को जो है ना गाइस टाइप करना है गाइस। और अगर आपका कमेंट फर्स्ट होगा तो आपको नेक्स्ट डे वाली वीडियो में जो है मिल जाएगा शाउट आउट हमारे डीएक्स गेमर की तरह। तो चलो अभी गाइस डीएक्स गेमर भाई थैंक यू सो मच कमेंट के लिए एंड शाउट आउट यू मेरे भाई, ठीक है। अभी चलो गाइस एक काम करते हैं, जल्दी जल्दी चल के ना इस वाले गोरिला को हम लोग नॉकआउट करते हैं। अच्छा इसको नॉकआउट, अच्छा इसका टॉर्पोर कितना है जरा एक बार ना मैं देख लूँ। हाँ 7 लाख है ना। रुको रुको गाइस, इसको नॉकआउट करने के लिए ना हम लोग लाइटनिंग इंडोमिनस रेक्स का यूज करें। आए लाइटनिंग इंडोमिनस रेक्स कहाँ रखा है मैंने? अरे यार ये गाइस मेरा लाइटनिंग इंडोमिनस रेक्स कहाँ चला गया? वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा भाई लाइटनिंग इंडोमिनस रेक्स। अरे भाई मुझे लग रहा है उड़ गया भाई, वो जो बॉस फाइट हुई थी ना उसमें उड़ गया लग रहा है भाई कहीं पे। अरे यार या तो फिर मैंने उसको नाम दिया होगा कुछ तो ना, हाँ मैंने कुछ तो नाम दिया होगा तो इसलिए वो अभी दिख नहीं रहा गाइस यहाँ पे। ठीक है चलो यार वाइब्रेंट से उसको नॉकआउट करते हैं, ठीक है आ जाओ भाई। पॉइजन किंग जो है गाइस हमारा उसी से नॉकआउट करते हैं, चलो आ जाओ। कभी कभी नाम देने के बाद ना डायनो जो वो दिखाई नहीं देते, ठीक है उनका नाम टाइप करना पड़ता है तभी दिखाई देते। चलो कोई सीन नहीं है, अभी चल के इस गोरिला को ना गाइस हमारे वाइब्रेंट के एक पैरिसी लाइटनिंग वाले अटैक डालते और नॉकआउट कर लेते, ठीक है ये हो गया नॉकआउट। लेट्स गो बॉयज, बस एक सेकेंड का काम है भाई, सिर्फ एक सेकेंड का काम और ये गोरिला हो गया नॉकआउट। वैसे दिखने में ये गोरिला तो काफी खतरनाक लग रहा है गाइज, लुक वाइज दिखने में ना ये काफी खतरनाक है। रुको मैं यहाँ पे ना इंस्टेंट मीट डाल देता हूँ। अच्छा ये रहा ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओ एक मिनट, अबे भाई ये वो गोरिला है। रुको रुको रुको, हो गया भाई टीम, हो गया टीम, राइड कर सकता हूँ ना डायरेक्ट। ओ भाई गाइज ये गोरिला कौन सा गोरिला है पता है? इसके अंदर हम लोग इवोल्यूशन निकाल सकते हैं, फायर गोरिला, लाइटनिंग गोरिला और गाइस पॉइजन गोरिला वाला। ये इवोल्यूशन जो है गाइस काफी ज्यादा खतरनाक वाले होते हैं, ठीक है। ये जो पॉइजन गोरिला वाला कहाँ पे चला गया, कहा है? ये वाला ये जो पॉइजन गोरिला वाला इवोल्यूशन देख रहा हूँ ना इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि जो मेरा वाइब्रेंट है अभी एक फटके में किसी को भी नॉकआउट कर रहा है ना सेम टू सेम भाई। वैसे ही ये वाले गोरिला का इवोल्यूशन भी किसी को भी नॉकआउट कर पाएगा एक फटके में।
खतरनाक यार, मजे आ गए भाई। भाई ये अच्छा हुआ गाइस हमारे सामने स्पॉन हुआ ना बेस के। अच्छा एक काम कर ले क्या, आज इसकी लेवल अप करते हैं ना फिर, ठीक है। वैसे भी हम दूसरे किसी डायनो को टेम करने जा रहे थे, उससे बेटर है कि इसकी जो ना गाइस मैं लेवल अप करूं, और इसकी लेवल अप करके जो है ना गाइस हम लोग जल्दी जल्दी इसका एक आध इवोल्यूशन जो है ना गाइस वो आज के इस एपिसोड में निकाल लेते हैं। आई थिंक सर फायर वाला इवोल्यूशन जो है ना गाइस वो हम लोग निकाल लेंगे इसका। इसको इवॉल्व करने के लिए डीएनए, हार्ट, ब्लड और इटर्नल सब कुछ पड़ा हुआ है भाई, ये टोकन वगैरह सब मेरे पास पड़ा हुआ है। बस जाना है और जल्दी जल्दी से जो है इसका इवोल्यूशन निकालना है। आओ चलो आओ, रुको गाइस पहले इसकी मैं मैक्स लेवल कर दूं। भाई पहले आपको मैं लुक गोरिल्ला का लुक दिखा देता हूँ, ठीक है। ओए क्या लग रहा है गाइस देखना, ये गाइस हमारे इस गोरिल्ला का लुक भाई, दिखने में तो काफी ज्यादा खतरनाक है। अटैक की बात करें तो राइट क्लिक पे ये वाला अटैक है, लेफ्ट क्लिक पे लावा वाला पत्थर फेंक रहा है भाई, तो ये अटैक है लेफ्ट क्लिक पे। सी पे मिनियन आया क्या कोई, उन्हें ऐसे चिल्ला रहा है बस वो करके। ओके 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 भाई, सी पे जो है गाइस वो ऐसे ही जो है गाइस चिल्लाने वाला अटैक है, फुल रेड होना ठीक है। और एक्स पे कोई नहीं, जेड पे कोई नहीं, कंट्रोल ओके, कंट्रोल पे गोल गोल रिंगा रिंगा रोजेस खेल रहा है भाई, ठीक है। ये देखो इस तरीके से जो ना सर्कल बना रहा है, देखो परफेक्ट सर्कल है देखो। लेट्स गो, क्यू पे, आर पे, ओ पे कोई अटैक नहीं, मतलब अटैक है इसके पास ये, उसके बाद ये चिल्लाने वाला अटैक नहीं है उसका, ये एक अटैक, तीन अटैक है। चिल्लाने वाला जो है ना वो मूव है, बस इसे टाइम पास के लिए चिल्ला रहा है। चलो आ जाओ इस गोरिल्ला के ना मैक्स लेवल करते हैं जल्दी जल्दी से, और जल्दी जल्दी गाइस हमारे इस गोरिल्ला के ना इवोल्यूशन निकाले सारे के सारे एकदम तगड़े वाले। ये ले बेटा भाई, आ जाओ गाइस भाई, सारे तगड़े इवोल्यूशन जो है जो हमारे इस गोरिल्ला के निकालेंगे। रुको इधर जाने दो मेरे को, अभी मजा आएगा ना। 88 लेवल नहीं यार, इसकी लेवल अप करनी पड़ेगी। डैमेज कम जा रहा है गाइस, वैसे 460,000 का ही डैमेज जो ना अभी के लिए जा रहा है, जिसका ज्यादा डैमेज नहीं जा रहा है। ये कोई सीन नहीं, चलो कोई सीन नहीं, इसकी जब हम लेवल अप करेंगे ना तब इसका डैमेज ज्यादा चला जाएगा। रुको पत्थर फेंकने वाला अटैक का कैसा डैमेज है, ओ 30,000, ठीक है 30,000, वैसे कोई खतरनाक सा डैमेज नहीं है बट कोई ना, चलो रोर करता है नहीं। हाँ ये जब चिल्लाता है ना तो कोई अटैक नहीं पड़ता, ठीक है। और ये गोल गोल घूमने वाला अटैक, ठीक है, ये घूमी घूमी करता है भाई इस वाले अटैक को। चलो फिर इसको मैंने मैक्स लेवल कर दिया है, देखो 88 लेवल आ चुके हैं, अभी इसको मैक्स लेवल हम लोग करने वाले। जल्दी जल्दी इसकी हेल्थ में पॉइंट डाल दूँ, 100 मिलियन हेल्थ कर लेता हूँ। हाँ 100 मिलियन है, 10 मिलियन कितनी हेल्थ हुई इस गोरिल्ला की, 102 मिलियन जो है गाइस वो गोरिल्ला की हेल्थ हो चुकी है। अभी जो बचे हुए पॉइंट है वो सारे के सारे हम लोग इसके मिली डैमेज में डालने वाले, ए टू जेड जितने भी बचे हुए पॉइंट है सारे के सारे मिली डैमेज में। आओ भाई दबा के इसकी लेवल अप करेंगे भाई, कितनी लेवल अप पॉइंट इसके मिली डैमेज में गए, 73 पॉइंट जो है गाइस वो हमारे इस गोरिल्ला के जो है गाइस मिली डैमेज में जा चुके। 313 जो है गाइस वो यहाँ पे इस गोरिल्ला की लेवल है, 102 मिलियन जो है वो इसकी हेल्थ है, और दिखने में काफी खतरनाक है बट इसका डैमेज ना सच बताओ तो मुझे भी बताओ और आपको भी बताओ उतना ज्यादा खास नहीं जाने वाला, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, 11 मिलियन ठीक है, उतना भी बुरा नहीं है। रुको गाइस पत्थर देख के मैं इसको मार सकता हूँ एंगलों को, देखा जाए यार इसकी साइज इतनी बड़ी है ना कुछ दिख ही नहीं पाता यार सामने भाई। यार ये क्या है भाई, लेवल अप करने के बावजूद भी इसके पत्थर वाले अटैक का डैमेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जा रहा है 30,000, ये क्या है भाई, ओनली 30,000 ठीक है। ये तो 11 मिलियन जा रहा है, 11 मिलियन ठीक है ठीक है ठीक है। और गोल गोल घूमने वाला ओके, ये भी 11 मिलियन का डैमेज जा रहा है। चिल्लाने वाला अटैक मैं एक बार देख लूं, और नहीं इसका कोई भी अटैक नहीं पड़ता चिल्लाने वाले जो ना गाइस इस मूव का डैमेज नहीं पड़ता। चलो फिर अब एक काम करता हूँ, इसका इवोल्यूशन वगैरह ना निकालने से पहले मैं इसको लेके जाके ना थोड़े ओरिजिन से फाइट करके लेके आता हूँ, ठीक है। हम थोड़े ओरिजिन से जो ना गाइस यहाँ पे पंगे लेते, आ जाओ थोड़ा बेस से दूर जाता हूँ मैं, एक आध ओरिजिन को मारते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हाँ भाई हमारे इस गोरिल्ला में भी दम है भाई, ठीक है। आ जाओ चलो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहाँ पे भाई सामने की तरफ चल के जहाँ पे हम हमेशा फाइट लेते हैं वहीं पे फाइट लेते हैं बाप रे गोरिल्ला से। बाकी इस गोरिल्ला के लिए खतरनाक वाले नाम मुझे कमेंट में डालना, आपको शाउट आउट दे देंगे गाइस जिसका भी नाम बढ़िया वाला लगेगा मुझे। बाकी गाइस यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर नहीं करा होगा। चलो लेट्स गो, यहाँ पे किसको बुलाओ, लेकिन मैं कौन से बॉस को बुलाया जाएगा इस, चलो स्पाइनो को ही बुलाते हैं, बड़े वाले बॉस को बुलाते हैं। ये रहा स्पाइनो, आओ भाई हेल्थ कितनी है, बिलियन में हेल्थ होगी भाई की,
और 1.2 बिलियन अरे डरे क्या पत्थर पे यार पत्थर का स्टिल 30,000 ही डैमेज जा रहा है 30,000 ही डैमेज जा रहा है भाई उसे बाप रे ये तो दोबे रोबे खड़ा होके मार रहा है मेरे को ये डैमेज अबे मेरे को इतना डैमेज कैसे पड़ रहा है 2-2 मिलियन का अबे भाई डैमेज देखो भाई गोरिल्ला का भूत बना देगा ये स्पाइनो भाई डैमेज लेके तो कुछ ज्यादा ही हाई पड़ रहा है यहाँ पे ये ले हम मार तो दूंगा इस स्पाइनो को पर मुझे 2-3 मिलियन का डैमेज दे रहा था यार स्पाइनो रुक जा बेटा तेरी तो मैं डांड बजा दूंगा बेटा डांड बजा दूंगा भाई मेरी हेल्थ देखना मेरी हेल्थ देखो भाई आप तो डाउन कर दिए इसने बिना गाइस हीलिंग पोशन दिए क्या मैं इसको मार पाऊंगा ये पॉसिबल है लग नहीं रहा मरने में जमा हीलिंग पोशन पीना पड़ेगा गाइस भाई 2-2 मिलियन का डैमेज पड़ रहा है भाई मेरे गोरिल्ला के ऊपर 2.11 मिलियन का डैमेज पड़ रहा है मैं मार तो उस स्पाइनो को बट हीलिंग पोशन पी के मारना पड़ेगा ये ले बुक्का भाई ये ले बुक्का बेटा ये ले बुक्का भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है ठीक आएगा रिटर्न तो यही पे आएगा रिटर्न तो यही पे आएगा आ जा बेटा आ जा वेट कर रहा हूँ मैं अच्छा नहीं आ रहा है मैं आता हूँ मेरे पास डीलिंग पहुंचे हैं भाई तेरे पास नहीं है ये ले 400 मिलियन बची है 11 मिलियन का गाइस हम लोग इसको डैमेज दे देंगे इस भाई स्पाइनो की बैंड बजा रहे हैं अभी यहाँ पे ये ले 200 मिलियन ये ले लेकिन डैमेज बहुत दिया यार स्पाइनो ने शायद से मैंने इसके ऊपर कोई आर्मर या सैडल वगैरह नहीं लगा रखा था ना उसके रीजन से गाइस ये सीन हुआ है मुझे लग रहा है ठीक है रुको ये फेंकने दो और सीकल वगैरह मिले मेरे को भाई इसके ऊपर डैमेज बहुत तगड़ा पड़ा यार कुछ भी बोले चलो आ जाओ अभी हमारे गोरिल्ला को लेके चलते घर पे और घर पे ना हमारे इस गोरिल्ला का प्यारा सा इवोल्यूशन जो है गाइस वो निकालूंगा अगले एपिसोड में भी जो है हम लोग इवोल्यूशन निकालने का ही काम करेंगे इसका सबसे पहले इस गोरिल्ला के सारे इवोल्यूशन निकालेंगे हम लोग सारे के सारे इवोल्यूशन चलो अभी सबसे पहले इसका जो फर्स्ट इवोल्यूशन है वो यहाँ पे निकाला जाएगा ठीक है लेट्स गो आ जाओ भाई सबसे पहले इसका फर्स्ट इवोल्यूशन जो है वो निकालते हैं और उसको निकालने के लिए हम लोग को कुछ भी नहीं चाहिए बस इसके अंदर चीजें सारी खींच लेनी है और इसका इवोल्यूशन निकलेगा हाँ और एक और बात इवोल्यूशन होने से पहले जो है ना गाइस मुझे यहाँ पे रुको पहले मैं सामान खींच लूँ इवोल्यूशन होने से पहले गोरिल्ला को क्रायो करना पड़ेगा वरना जो है ना गाइस ये गोरिल्ला खुद इवॉल्व हो जाएगा ठीक है चलो इवोल्यूशन बढ़ रहा है मैं घर के बाहर लेके चलता इसको इवोल्यूशन फुल कंप्लीट होने से पहले इसको क्रायो करना है वरना गोरिल्ला गाइस अगर पूरी तरीके से इवॉल्व हो गया ना तो फिर मैं आगे वाली इवोल्यूशन जो है ना नहीं निकाल पाऊंगा ठीक है ये थोड़ी सी ग्लिच है एक जिसकी मदद से हम लोग एक ही गोरिल्ला से सारे इवोल्यूशन निकाल सकते हैं ये गाइस थोड़ी सी ग्लिच है भाई ठीक है चलो आने दो भाई होने दो इवोल्यूशन बस शुरू होने दो तुरंत इसको क्रायो करूंगा मैं रुकना गाइस रुकना ओके आने दो भाई आने दो इसको आने दो ठीक है हो रहा क्रायो कर लिए निकल ओ यस फायर गोरिल्ला 312 लेवल का भाई 312 लेवल का फायर गोरिल्ला प्लस इस गोरिल्ला का लुक तो देखना भाई क्या लग रहा है ओए होए अननोन फायर गोरिल्ला भाई साहब ये उन वाइब्रेंस की तरह ही है गाइस हां जो वाइब्रेंस हम लोग ने इवॉल्व करे थे ना उनकी तरह ही है भाई ये गोरिल्ला ये जो ना गाइस अननोन मटेरियल से बना हुआ है ब्रिक टाइप मटेरियल से देखना गाइस ये ब्रिक्स ना इसे भाई दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे ताकि टूट के बिखर सके देखो लेकिन ये बिखर नहीं पा रहा है वापस से साथ में आ रहा है गाइस ये गाइस अननोन फायर गोरिल्ला फुल रेड कलर का क्या जबरदस्त लग रहा है वाइब्रेंस से भी ओपी लग रहा है यार ये गोरिल्ला तो देखना तो क्या बोलते हो गाइस क्या आपको ये वाइब्रेंस से भी खतरनाक लगा देखना यार हे भाई दम तो है भाई इस गोरिल्ला में मानना पड़ेगा भाई ये बात हाँ दम तो है गाइस इस गोरिल्ला में चलो आ जाओ दिखने में बस काफी खतरनाक है अटैक देखते हैं कितना ज्यादा जा रहा है उसका 11 मिलियन जा रहा था इसका तो उससे ज्यादा जाना चाहिए रुकना अब एक काम करता हूँ मैं इसके लिए ना सैडल गोरिल्ला का सैडल शायद से नहीं होगा रुको देखने दो मुझे गोरिल्ला का सैडल शायद ना हो मैं बना के ट्राई करता हूँ क्या गोरिल्ला का सैडल है नहीं गोरिल्ला का स्किन है भाई स्किन है गोरिल्ला का लेकिन कोई भी सैडल वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा पॉइजन गोरिल्ला कॉस्ट्यूम स्पीड गोरिल्ला और पावर गोरिल्ला ये कहाँ से निकलते इवोल्यूशन यार स्पीड गोरिल्ला पावर गोरिल्ला
भाई ये भी है क्या गोरिल्ला? सारे गोरिल्ला टेम करूंगा मेरे को। अभी तो मुझे इसको वाइब्रेंट का सैडल ही देना पड़ेगा, क्योंकि यार फिर वाइब्रेंट का सैडल नहीं दूंगा ना, इसको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। वो ओरिजिन वगैरह इतना ज्यादा तगड़ा डैमेज दे रहे ना यार इन गोरिल्लास के ऊपर, क्या बताओ। तो इसके लिए गाइस मुझे ये सारे के सारे सैडल जो है वो बनाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। चलो ये बन गया भाई अपना सैडल। ये सैडल उनको पहनाने पड़ रहे ताकि डैमेज जो है ना गाइस ओरिजिन वगैरह से फाइट लेते हुए इनको कम पड़े थोड़ा, ठीक है। ये इनको आर्मर थोड़ा सा प्रोवाइड करेगा। चलो आ जाओ गाइस। गाइस इस गोरिल्ला के लिए ना खतरनाक वाले, डेंजरस वाले और एकदम ओपी वाले नाम नीचे कमेंट में डालना, ठीक है। इसका लुक देख के, हाँ गाइस इसका लुक देख के, और जिसका भी मुझे बढ़िया नाम लगेगा उसको दूंगा मैं शाउट आउट अगले वाले एपिसोड में, ठीक है। एकदम बढ़िया और खतरनाक वाले नाम डालना भाई इसके। आओ भाई ये क्यों मरा क्यों नहीं भाई? डैमेज कितना? 7 लाख का तो मरा क्यों नहीं? वो डीएनए बगता है, अरे चलना डीएनए बगता है। आ जाओ, आओ गाइस इसके लेवल अप करता हूं मैं जल्दी से। वो इसके पास अटैक कौन से है पहले देखा जाए, अटैक कौन कौन से इसके पास। ओके ये भाई इसे पंच मारने वाला अटैक, ओके, और ये पत्थर फेंकने वाला अटैक है गाइस, और भाई ये है भाई सी पे चिल्लाता है बस और कुछ नहीं करता। मतलब सारे सिमिलर अटैक है जो भाई उस गोरिल्ला के पास अटैक थे ना, यस यस सेम टू सेम अटैक्स इसके पास है। बट जब भी ये किसी को मारेगा तब आग लगेगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अगर जब भी ये किसी को मारेगा और वो डायनो मरेगा नहीं ना तो उसको आग लग रही है गाइस। ये देखना मैं दिखाता हूँ आपको, मर रहे भाई साहब ये वाला बग। ये देखना यहाँ पर खतरनाक बग स्पॉन हुए हैं, ये देखना लग गई इसको आग, और आपके रीजन से इसकी हेल्थ देखना कैसे डाउन हो रही है। ये जल के मर जाएगा, मर गया भाई जल के। ये लो भाई ये मर गया, जल के मर गया भाई। ये गाइस हमारी गोरिल्ला की पावर, ये जो ना गाइस बर्निंग अटैक दे सकता है भाई, काफी ज्यादा खतरनाक वाला, काफी तगड़ा वाला बर्निंग अटैक देने की एबिलिटी जो है ना गाइस हमारी इस गोरिल्ला के अंदर है, ठीक है। अभी गाइस इसकी लेवल अप कर ली जाए, मैक्स लेवल हो गया होगा क्या? हाँ हो गया भाई, ठीक है। कितना करूं, 500 मिलियन है, कितना है? ओए 500 मिलियन इसकी, हेलो भाई इसका तो 1 बिलियन कर दूं मैं हेल्थ भाई, 1 बिलियन उसकी भाई 100 मिलियन हेल्थ थी इवोल्यूशन से पहले, इवोल्यूशन के बाद सीधा 1 बिलियन हेल्थ हो गई भाई, सीधा 1 बिलियन। यार गोरी लाया मजा के, ये रुको रुको भाई, ये ले भाई तेरे डैमेज में पॉइंट भी ले भाई, हेल्थ में भी पॉइंट डालो, डैमेज में भी इसके तगड़े पॉइंट डाल रहा हूँ मैं भाई। ये गोरिल्ला तो वेरी वेरी डेंजरस है यार, मजा आ गया गाइस इस गोरिल्ला को जो ना गाइस यहाँ पे टेम करके भाई, फुल मजे आ गए भाई, ठीक है। तो इसके जो ना गाइस आप देख सकते हो 74 पॉइंट जो है गाइस हम लोग ने डैमेज में डाल दिए, ठीक है, ज्यादा नहीं 74, बचे हुए पॉइंट जो है गाइस हम लोग ने इसके हेल्थ में डाले हुए थे। चलो इसको क्लोज करा जाए, थोड़े गोरिल्ला की जो ना गाइस एबिलिटी ना भाई देखी जाए यहाँ पे कि ये जो ना गाइस क्या कर सकता है, ठीक है। आ जाओ, मतलब इसका डैमेज वगैरह कितना जा रहा है, क्योंकि मैंने जो ना गाइस अभी इसको मैक्स लेवल तो कर दिया है, तो अभी हम इसका डैमेज देख सकते हैं, और इससे ना मैं एक दो ओरिजिन को भी मारूंगा, ठीक है। कितना जा रहा है भाई, 20 मिलियन, डबल गाइस डबल। उसका जा रहा था 10 मिलियन इवोल्यूशन से पहले, इवोल्यूशन के बाद सीधा 20 मिलियन डैमेज भाई, सीधा ले बेटा 20 मिलियन। ओ ये सुनो, दूसरे अटैक पत्थर वाले अटैक का 30,000 होगा भाई, 30,000 या 60,000 देखो, 30,000। यार ये पत्थर से क्या दुश्मनी है भाई, ये पत्थर वाला अटैक का कुछ ग्लिच वगैरह है क्या भाई? यार ग्लिच वगैरह है लग रहा है मेरे प्यारे पत्थर वाला अटैक तो भाई 30,000 ही जा रहा है भाई डैमेज। ये वाला अटैक कब 20 मिलियन जा रहा है भाई, ये खतरनाक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये ले बेटा तो भी मार दिया जाए, पट से पत्थर वाला अटैक में वापस से आपको दिखाता हूँ, रुको मार के। अरे यार लग ही नहीं रहा, थोड़ा पीछे से मारना पड़ेगा। अरे यार चलो कोई ना, कंट्रोल 20, ओके 20 मिलियन डैमेज है पत्थर वाले अटैक का। जो इसका डैमेज है वो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 30,000, ठीक है। तो ये गोरिल्ला जो है ना गाइस इससे भी यार ओरिजिन को मार के देखना तो बनता है ना, मुझे लग रहा है ये ओरिजिन को भी आग लगा देगा। अगर इसने ओरिजिन को आग लगा दी ना तो मजे आ जाएंगे, देखते चलो गाइस, देखते भाई कि ये ओरिजिन वगैरह जो है ना गाइस डायनोज उनको आग शाग जो है गाइस वो लगा पाता है, ठीक है। चलाओ थोड़ा देखा जाए ओरिजिन वगैरह डायनोज को आग लग रही कि नहीं यहाँ पे। ये ले बेटा गोल गोल घूमने वाला है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे मैं ओरिजिन को बुला रहा हूँ और उनसे फाइट ले रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, ठीक है। ओरिजिन स्पाइनो से ही लेता हूँ मैं फाइट, पहले ही कितना 2 मिलियन दे रहा था, अभी देखे दिखा भाई 2 मिलियन डैमेज, 30,000 का पत्थर मारूंगा। ये ले भाई देखा, अभी अभी ज्यादा ही डैमेज पड़ रहा है,
बट इस बार बॉस बुक पड़ रहा है गाइस। खेल तो देखो कैसे फेल्ट हो रही है। पिछली बार हीरो बन रहा था ना, इस बार हीरो बन गया। ये लो आदिल द डाउन भाई, ये ले बेटा खत्म भाई। पिछली बार भाई कहाँ भाग रहा है, रुक जा बेटा, कहाँ भागेगा। ले भाई वॉस पंप जो है तो उसको आग लगा रहा है, लिटरली देखना आग लग रही है भाई इसको, देखना इसके पैरों के पास आग लगी हुई है, ओरिजिन को आग लगा रहा है भाई ये वॉस। निकल ओरिजिन के बच्चे, भाई हीरो बन रहा था ज्यादा भाई, इवोल्यूशन से पहले कैसे मार रहा था देखा, रेक से बंगे आखिरी वाले भाई, रेक से फाइट लेते हैं। चलो आ जाओ भाई रेक से फाइट लेते हैं अभी। बाकी अभी तक जिन्होंने भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा होगा ना गाइस, कर देना गाइस, ठीक है। देखो गाइस अभी आपके लिए भाई इतनी सारी वीडियोस हम डेली अपलोड करते हैं, आपका काम सिर्फ एक ही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बस वही करना है, तो कर देना यार प्लीज यार, इससे तुम्हारे भाई को ना काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी और काफी ज्यादा मोटिवेशन भी मिल जाएगा जैसे डेली इतनी सारी वीडियो डालने के लिए। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हो तो दिखाओ यार सपोर्ट, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और देखो गाइस अभी हमारा एक गोरिल्ला रेक्स की कहानी खत्म। मेरे को डैमेज दे रहा है बट बाकी बताओ गाइस आपको हमारा ये खतरनाक सा जो फायर गोरिल्ला है ना वो कैसे लगा, ठीक है। वो जो इसका पहले वाला इवोल्यूशन वाला गोरिल्ला था वो उतना खतरनाक नहीं था, बट ये जो फायर गोरिल्ला है ना गाइस ये आपको कैसे लगा जरूर मुझे नीचे कमेंट करके बताना। अगर आपको हमारे फायर गोरिल्ला पसंद आया होगा ना गाइस तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जो ना गाइस सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी आज का ये वाला जो हमारा एपिसोड है वो हो जाता है इसी के साथ यही पे खत्म, इस फायर वाले गोरिल्ला के इवोल्यूशन के साथ। और वो दूसरा कहाँ पे गया, गेरा भाई, ये रहा हमारा, और इस इंडोमिनस गोरिल्ला को टेम करने के साथ, इन दो गोरिल्ला को टेम करने के साथ आज का हमारा प्रामुल फियर प्लस आर्किटनर राजो एपिसोड है वो हो जाता है ये पे खत्म। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इन दोनों के लिए बढ़िया नाम नीचे कमेंट में जरूर डाल देना। बाय बाय गाइस, सी यू लेटर, मिलते हैं अगले एपिसोड में। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up.